लिस्ट ऑफ हेडिंग्स द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन आईएलटीएस जर्नल एंड आईएलटीएस एकेडमिक रीडिंग व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ हेडिंग्स दे गेट एक्स्ट्रा कंफ्यूज्ड. So guys, I'm Monica from Asija's Matrix. Today, I'm here to tell you how to deal out with these kind of headings and I'll give you some tips and tricks to solve these kind of questions. So, if you want to master a list of headings, then watch this video till the end. Believe me, I will not waste your time. So, let's get started. सो गाइस, आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा जो हमने रीडिंग ली थी वो थी कॉक. आज हम इसी के हेडिंग स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले जो आपका फर्स्ट टिप है वो ये है कि आप इसके टाइटल को रीड करोगे. जब आप टाइटल को रीड करते हो तो आप 80% एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपके पास वोकैब किस टाइप की आएगी. सो अपना जो टाइटल है वो है व्हाट्स द पर्पस ऑफ गेनिंग नॉलेज. अब नॉलेज कहाँ से मिलती है, नॉलेज का पर्पस क्या है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ गेनिंग नॉलेज. देखिए, इसमें बात हो रही होगी बुक्स की, कोर्सेज, इंस्टीट्यूशंस, कोई मैनेजमेंट की, किसी अलग अलग टाइप की एजुकेशन की. तो सबसे पहले हमने टाइटल को रीड करना है. उसके बाद जो मेरा फर्स्ट टिप है वो ये है कि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप 1 आवर के अंदर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो. तो आपने क्या करना है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट आपने क्या करना है, आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास बट कहां पे आ रहा है और बट को हम और क्या बोलते हैं, हाउएवर. सबसे पहले आपने इन दो कीवर्ड्स को अपने माइंड में रखना है. अब जैसे ही आप पैसेज को सॉल्व करोगे उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, आप एक बार ये जो हेडिंग्स हैं इनको गो थ्रू करो और इनके कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लो. देखिए, फर्स्ट हेडिंग क्या है, कोर्सेज दैट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट की बात हो रही है. सेकेंड क्या है, एक कोर्स की बात कर रहा है, उसके टू मीनिंग्स हैं, विथ टू मीनिंग्स. थर्ड इज द इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल इज अ कीवर्ड ऑफ टू की इशू. फोर्थ इज अप्लाइंग अ थ्योरी अप्लाई की इन एन अनएक्सपेक्टेड कंटेक्स्ट. नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात हो रही है. नेक्स्ट इज अ सरप्राइजिंग कोर्स टाइटल. नेक्स्ट डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट आउटकम्स. आउटकम्स क्या होता है, रिजल्ट्स. नेक्स्ट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ स्टूडेंट. बस आपने एक बार इसको गो थ्रू करके आप फर्स्ट हेडिंग को रीड करिएगा. अब मैंने इसका आपको फर्स्ट पॉइंट क्या बताया कि आपने सबसे पहले दिमाग में रखना है बट या हाउएवर कहां पे आ रहा है. सबसे पहले आप यहां पे ये चेक करोगे बट है या आपको हाउएवर मिल रहा है कहीं पे. यस, यहां पे है बट. अब आप जब भी पैसेज को रीड करना स्टार्ट करोगे, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा जैसे ही मैं अभी बता के हटी हूं आपको, तो आपने बट वाली लाइन को जरूर रीड करना है. बिकॉज क्योंकि जो बट होता है, हाउएवर होता है, यहां से अपनी लाइन, अपना जो आंसर होता है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, चेंज होता है. तो आपने इसको सबसे पहले रीड करना स्टार्ट करना है. बट वॉट वुड द फाउंडर्स ऑफ दीज टू, यहां पर बात हो रही है टू इंस्टीट्यूशन की, हैव थॉट ऑफ अ कोर्स कॉल्ड. अब इन्होंने एक कोर्स की बात की है, कोर्स का नाम क्या है, आर्सन फॉर प्रॉफिट. उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क. अगर आपको क्वेश्चन मार्क मिलता है लाइन के पीछे, दैट मीन्स वो क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो आपको उसके नेक्स्ट भी रीड करना पड़ेगा. आई किड यू नॉट, मैं मजाक नहीं कर रहा, वी हैव इट ऑन द बुक्स. एनी अंडर ग्रेजुएट्स हु हैव मेट द एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स कैन साइन अप फॉर द कोर्स इन आवर प्रोग्राम. इन प्रोग्राम कौन सा है हमारा, फायर साइंस का. तो देखिए, अब यहां पे किस चीज की बात कर रहा है, एक तो उसने कोर्स का नेम बताया, नेम क्या था, आर्सन फॉर प्रॉफिट. फिर उसने ना कुछ ऐसा मोल्ड किया कि हाँ, मतलब ये सच है, आई किड यू नॉट, मैं मजाक नहीं कर रहा. तो इसके बारे में अभी जब हमने यहां पे रीड किया, आप एक बार फिर से रीड करिए, आपको क्या लगता है, कोर्स का नेम बता रहा है, उसके बाद उसने बोला कि हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब सच है ये. कोर्सेज दैट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, नहीं, उसने कमिटमेंट की कोई बात नहीं की. अ कोर्स टाइटल, यस, उसने कोर्स टाइटल की बात की है, टाइटल क्या था, आर्सन फॉर प्रॉफिट, बट उसके उसने कोई टू मीनिंग्स नहीं बताए. द इक्वल इंपॉर्टेंस, उसने कोई भी ऐसी दो चीजें नहीं बताई कि जिनकी इक्वल इंपॉर्टेंस है. फोर्थ इज अप्लाइंग अ थ्योरी इन एन अनएक्सपेक्टेड कॉन्टेक्स्ट, कोई थ्योरी अप्लाई करने की बात नहीं की. फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं बोला उसने. अ सरप्राइजिंग कोर्स टाइटल, यस, दिस वुड बी द आंसर. कोर्स टाइटल क्या था हमारा,
आर्सन फॉर प्रॉफिट. सरप्राइजिंग मतलब जब उसने बोला कि यस यही है, कि मैं मजाक नहीं कर रहा, दैट मीन्स वी कैन से इट वॉज सरप्राइजिंग. तो इसका आंसर क्या आएगा, ए का सिक्स. यहां से आप इसको एलिमिनेट कर दो. नेक्स्ट इज, सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या था, हमने ध्यान में रखना है बट या हाउएवर कहां पे. आप स्टार्टिंग से रीड मत करिएगा, बस आपने उसी का ध्यान रखना है. हम यहां पे फाइंड कर रहे हैं, यहां पे हमें मिल गया हाउएवर. आप यहां से पढ़ना स्टार्ट करिए. हाउएवर इट इज नॉट अननोन फॉर अ फायर फाइटर टू टॉर्च अ बिल्डिंग. दिस एग्जाम्पल, यस गाइस, एक ऐसा कीवर्ड है दिस एग्जाम्पल, दैट मीन्स आपको इसको रीड करना है, ऊपर वो किसी एग्जाम्पल की बात कर रहा है. This example suggests how dishonest and illegal behavior, किसी के behavior की बात कर रहा है, behavior कैसा है, dishonest and illegal behavior, with the help of higher education can creep into every aspect of public and business life. ये देखो किस चीज की बात कर रहा है, dishonest and illegal behavior. फिर से हम देखेंगे यहाँ पे कोई commitment की बात नहीं हो रही, टू मीनिंग्स भी उसने नहीं बताया, उसने बिहेवियर की बात की है. और हमने अभी अभी यहां पे रीड किया था एक हेडिंग, दिस वन एट, द पॉसिबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ स्टूडेंट. रॉन्ग काइंड ऑफ स्टूडेंट मतलब उसका जो बिहेवियर बता रहा है वो डिसऑनेस्ट एंड इलीगल बिहेवियर. तो ये आएगा इसका आंसर, इसको भी आप यहां से एलिमिनेट कीजिएगा. और यहां पर इसका आंसर क्या आएगा हमारा, एट. तो गाइस देखिए, ये सबसे सिंपल ट्रिक है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को सॉल्व करने के लिए. फॉर एग्जांपल, आपके पास किसी पैराग्राफ के अंदर बट और हाउएवर नहीं आता, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप स्टार्टिंग की एक से दो लाइनें और लास्ट की एक से दो लाइनें रीड करोगे और उसका ब्रीफ देख लेना कि किस टॉपिक पे वो बात कर रहा है, दैट वुड बी योर आंसर. तो अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट. सबसे पहले हम देखेंगे बट और हाउएवर. नहीं गाइस, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा. तो अब हमें फर्स्ट टू थ्री लाइंस और लास्ट में आप दो तीन लाइनें आप रीड कर सकते हो. आई रियलाइज दिस एन्यू व्हेन आई वाज इनवाइटेड टू स्पीक बिफोर अ क्लास इन मार्केटिंग व्हिच इज अनदर ऑफ आर डिग्री प्रोग्राम्स. द रेगुलर इंस्ट्रक्टर इज अ कलीग हु एप्रिशिएट द काइंड ऑफ एथिकल पर्सपेक्टिव आई कैन ब्रिंग एज अ फिलोसोफर. देयर आर एंडलेस वेज आई कुड हैव अप्रोच्ड दिस असाइनमेंट बट. यस, हमें मिल गया यहाँ पे कीवर्ड बट. अब देखिए, बस आप इस लाइन को रीड करना. आई टुक माई क्यू फ्रॉम द टाइटल ऑफ द कोर्स. यहाँ पे देखिए कोर्स का टाइटल उन्होंने क्या दिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग. अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है, एक कोर्स का टाइटल मिला. इट मेड मी थिंक टू आस्क द स्टूडेंट्स इज मार्केटिंग प्रिंसिपल. मतलब वो कंफ्यूज था कि किस चीज की बात कर रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की बात कर रहा है. वो सोचने लग गया या बात हो रही है इज मार्केटिंग प्रिंसिपल, क्या जो मार्केटिंग है वो प्रिंसिपल्ड है, रूल्स के ऊपर बेस्ड है मार्केटिंग. प्रिंसिपल मतलब रूल्स के ऊपर बेस्ड है. तो मतलब वो बोला कुछ था, उसको लगा कुछ, है ना. तो अब हम फिर से यहां पे आएंगे. अब फिर से हम देखेंगे क्या कोई कमिटमेंट की बात हुई, नहीं हुई. अ कोर्स टाइटल विथ टू मीनिंग्स, इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं, अप्लाइंग अ थियोरी नहीं, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं, डिफरेंट नेम फॉर डिफरेंट आउटकम, कोई रिजल्ट की बात तो नहीं हो रही है यहाँ पे. तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए अ कोर्स टाइटल विथ टू मीनिंग. टाइटल जो अपना था कोर्स का, उसके दो मीनिंग निकल रहे हैं. दो मीनिंग कौन से हैं, देखिए फर्स्ट था अपने पास प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, जिस चीज की बात हो रही थी. सेकेंड क्या था, इज मार्केटिंग प्रिंसिपल, क्या जो मार्केटिंग है वो रूल्स के ऊपर बेस्ड है. तो अपना आंसर जो आएगा वो आएगा सेकेंड, अ कोर्स टाइटल विथ टू मीनिंग्स. देखिए गाइस, अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वन. सबसे पहले आप फाइंड करोगे बट और हाउएवर, नहीं इसमें नहीं है ऐसा. अब रीड करना स्टार्ट करेंगे. इज दैट ऑब्वियस, आई मेड द सजेशन विच मे साउंड डाउन राइट क्रेजी इन लाइट ऑफ द एविडेंस दैट परहैप्स. परहैप्स क्या होता है, मे बी. आप थोड़ा सा वोकैब पे जरूर ध्यान दीजिएगा. मार्केटिंग इज बाय डेफिनेशन क्या होता है, किसी भी चीज की डेफिनेशन, दैट इज उसकी डिटेल. प्रिंसिपल, माय इंस्पिरेशन फॉर दिस जजमेंट इज द फिलोसोफर इम्यूनल कैंट हु आर्ग्यूड दैट एनी बॉडी ऑफ नॉलेज कंसिस्ट ऑफ एन एंड एंड अ मीन्स. देखिए यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, एक हो रही है एंड की, एक हो रही है मीन्स की. अब एविडेंस क्या हो गया हमारा, प्रूफ. अब हमने माइंड में क्या लेके चलना है, एविडेंस, मे बी, डिटेल, और उसके बाद दो चीजें एंड और मीन्स. फिर से वापस आएंगे इस पे.
हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं आएगा. द इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल इंपॉर्टेंस की बात यहाँ पे नहीं हुई, दो की इश्यूज बता रहा है बट इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं बताए. अप्लाइंग द थ्योरी इन एन अनएक्सपेक्टेड कॉन्टेक्स्ट, देखिए फाइनेंशियल बेनिफिट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, डिफरेंट नेम फॉर डिफरेंट आउटकम, कोई रिजल्ट की बात भी नहीं कर रहे. आंसर क्या आएगा, अप्लाइंग द थ्योरी इन एन अनएक्सपेक्टेड कॉन्टेक्स्ट. ये मैं बताती हूँ क्यों आएगा आंसर. देखिए थ्योरी मीन्स जो अभी मैंने आपको बताया डिटेल. अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या है गाइस, जो हमने अभी बोला था ना परहैप्स, अनएक्सपेक्टेड परहैप्स ये है, मे बी अनएक्सपेक्टेड. उसके बाद अनएक्सपेक्टेड आ गया, थ्योरी आ गया, उसने थ्योरी अप्लाई की एक कंटेक्स्ट पे, अनएक्सपेक्टेड कंटेक्स्ट पे. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ई पैराग्राफ. लेट अस अप्लाई बोथ द टर्म्स, सबसे पहले फिर इसमें देखेंगे ये है हमारा बट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब हमें फर्दर रीड करना पड़ेगा. उससे पहले बात किस चीज की कर रहा है, दो चीजों की बात कर रहा है, एक मीन्स की और एक एंड की. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. देयर सीम टू बी टू मेन एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट क्वेश्चन, दो मेन एटीट्यूड. वन इज दैट, वन क्या था ऑब्वियस, द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू सेल थिंग्स एंड टू मेक मनी. दो चीजें थी, एक चीजों को सेल करना और उनसे मनी अर्न करना. दूसरा एटीट्यूड था एक, पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज इररेलेवेंट, ईच पर्सन कम टू द प्रोग्राम एंड कोर्स विद हिज और हर ऑन प्लान्स एंड दीज नीड नॉट इवन कंसर्न द एक्विजिशन ऑफ मार्केटिंग एक्सपर्टाइज एज मच. देखिए अब इसमें जो बात की है उसने दो चीजों की बात की है. अब लास्ट में एक बार यहाँ से अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है तो हम लास्ट में एक बार रीड कर लेंगे. अ फील्ड ऑफ नॉलेज, आपने अकेली ऊपर की दो लाइनें पढ़ के आंसर नहीं लगाना गाइस, आपने लास्ट वाली लाइन्स को भी रीड करना है और उसका जो ब्रीफ होगा वो आपका आंसर होगा. अ फील्ड ऑफ नॉलेज और प्रोफेशनल एंडवेयर इज डिफाइंड बाय बोथ. हाँ यहाँ पे भी देखो दो चीजों की बात कर रहा है, जो उसने स्टार्टिंग में बोली थी मीन्स और एंड. Hence, मतलब so that both deserve security. That means दोनों की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है. तो अभी हमने एक रीड किया जिसमें हमें एक मिनट, दोनों की अपनी इम्पॉर्टेंस है, ये हम अभी रीड करके आए हैं. देखिए यहाँ पे था इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ टू की इश्यू कौन से है यहाँ पे, एक था अपने पास एंड और दूसरा था मीन्स. और द इक्वल इंपॉर्टेंस मतलब दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, दैट इज सिक्योरिटी. नहीं अब इसका आंसर अपना आएगा थर्ड. नेक्स्ट एज लास्ट एज, फिर से हम सबसे पहले क्या देखेंगे बट एंड हाउ एवर, नहीं इसमें नहीं है तो हम फर्स्ट टू लास्ट टू लाइंस को रीड करेंगे. इट इज एट दिस पॉइंट दैट आर्सन फॉर प्रॉफिट, ये क्या था हमारे कोर्स का टाइटल था, बिकम सुप्रीमली रेलिवेंट. रेलिवेंट क्या होता है, सेम. द कोर्स इज प्रिज्यूमली ऑल अबाउट मीन्स हाउ टू डिटेक्ट एंड प्रोसिक्यूट क्रिमिनल एक्टिविटी. इट इज देयरफॉर अज्यूम दैट द एंड इज गुड इज इन एन एथिकल सेंस. व्हेन आई आस्क फार्सन स्टूडेंट्स टू एक्यूरेट द एंड और पर्पस और देयर फील्ड, दे इवेंचुअली क्या होता है गाइस, एट द एंड बिल्कुल लास्ट में जर्नलाइज टू समथिंग लाइक द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी विच सीम्स राइट. यहाँ पे एक तो बिल्कुल लास्ट की बात कर रहा है इवेंचुअली, उसके बाद हम लास्ट में एक दो लाइन्स को रीड करेंगे. वी हैव अनदर टर्म फॉर इट दैट इज फ्रॉड, कैंट गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ डॉक्टर एंड प्रिजनर. फिर से दो चीजों की बात, दो पर्सन की बात कर रहा है, एक डॉक्टर की एक पॉइजनर. हु यूज द एथिकल नॉलेज, आइडेंटिकल नॉलेज. आइडेंटिकल क्या होता है, सेम काइंड ऑफ नॉलेज उन्होंने यूज की टू अचीव देयर डाइवर्जेंट एंड्स. हाँ एंड्स का मतलब हम बोल सकते हैं रिजल्ट्स, आउटकम्स. डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट. देखिए हमने एक टाइटल रीड किया था ना, डिफरेंट रिजल्ट्स वाला था कुछ, ये है डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट आउटकम. आउटकम जो उसने एंड बोला उसे हम आउटकम बोल देंगे, डाइवर्जेंट का मतलब डिफरेंट. और डिफरेंट नेम्स क्या हुए जो इन्होंने ये बताए, डॉक्टर एंड प्रोफेसर, दीज आर डिफरेंट नेम्स. सो गाइस ये थी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, आई होप आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा. सो आप इन छोटे छोटे ट्रिक्स का यूज करके एग्जाम में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को 5 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो विद 100% एक्यूरेसी.
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. सो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.